हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। फ्रेंड्स, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि सबसे अलग कुछ करना चाहते हैं, जो कि सबसे अलग दुनिया को दिखाना चाहते हैं, और ऐसे ही लोग सबसे अजीबोगरीब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी अपने नाम करते हैं। आज हम आपको अपने इस वीडियो में कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रेंज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। यकीन मानिए, आज जो आप देखने जा रहे हैं उसे आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। तो दोस्तों, आपसे है एक ही रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये नेक काम भी कर ही लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। दोस्तों, क्या आप तलवार निगल सकते हैं? यकीनन नहीं, लेकिन अमेरिका की नताशा वेरुस्का नाम की महिला के नाम सबसे लंबी तलवार निगलने का विश्व रिकॉर्ड दर्ज है। जी हाँ, 28 फरवरी 2009 को उन्होंने 58 सेंटीमीटर की तलवार को आसानी से निगलकर बाहर निकाल लिया था। अब ये एक अजीबोगरीब विश्व रिकॉर्ड है। आप समझिए कि ये कैसे इन्होंने पॉसिबल किया होगा। कमाल की स्किल्स है ये भी। कहते हैं कि ये बचपन से ही कुछ अलग करने की इनकी चाहत थी, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये कुछ इस तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर देगी, जो कि आज तक इन्हीं के नाम है। बात तो सही है, जो काम नताशा वेरुस्का करके दिखा रही हैं, वो करना किसी के बस की बात नहीं है, है कि नहीं दोस्तों? आप सभी से रिक्वेस्ट है कि गलती से भी इस तरह का काम आप अपने घर या कहीं भी न कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए ठीक नहीं है। नताशा वेरुस्का ने भी पहले इसकी ट्रेनिंग ली और उसके बाद जाकर ये परफेक्ट बनी। क्या बात है दोस्तों, अब हम आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि वाह, काश इस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के वक्त मैं भी इस इवेंट में शामिल होता। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे अलग। आपको बता दूं कि ये बनाया गया था अमेरिका में। दोस्तों, इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा न्यूड लोग, जिसमें कि लड़के और लड़कियां दोनों शामिल थे, वो एक रोलर कोस्टर राइड ले रहे थे। कैन यू इमेजिन कि इस तरह से भी लोग आजकल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं? आप सोचिए कि लड़के तो लड़के, लड़कियां भी इस न्यूड रोलर कोस्टर वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम का हिस्सा थी। खैर, कहते हैं कि अमेरिका या यूरोप के देशों में इस तरह की चीजें होती रहती हैं। कमाल है भाई, मतलब समझ में नहीं आता कि कैसे कोई बिना कपड़ों के रोलर कोस्टर राइड में घूम सकता है, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है तो ये सब तो करना पड़ता है भाई। दोस्तों, आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा कि जो कंपेयर टू नॉर्मल पीपल थोड़े छोटे होते हैं लंबाई में, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे छोटा इंसान कौन है? क्या आपको पता है कि किस इंसान के नाम सबसे छोटे लंबाई का होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है? आज हम आपको बताते हैं। दोस्तों, ये है एडवर्ड नीनो हर्नांडेस, जो कि कोलंबिया के रहने वाले हैं। 4 सितंबर 2010 को कोलंबिया के एडवर्ड नीनो हर्नांडेज का नाम पूरे विश्व के सबसे छोटे व्यक्ति के रूप में था। नीनो हर्नांडेज 0.7 मीटर लंबे और उनका वजन मात्र 10 किलोग्राम था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ आप देख भी सकते हैं कि इनकी लंबाई कितनी कम है। इतना ही नहीं दोस्तों, इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये बहुत मस्तीखोर इंसान है, और चूंकि कोलंबिया में पैदा हुआ है तो डांस एंड म्यूजिक से इनका बहुत गहरा नाता है। जी हाँ, ये खुद के बारे में बताते हैं कि जब इन्होंने ये रिकॉर्ड दर्ज किया तो इन्हें अंदर से बहुत खुशी हुई। इन्हें लगा कि जिस लंबाई की वजह से लोग इनको देखकर हंसते थे, आज उसी की वजह से इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कर लिया गया है। वहीं हर्नांडेस की माँ का कहना था कि 2 साल की उम्र के बाद से इनकी लंबाई कभी बढ़ी नहीं। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि ये शारीरिक रूप से ठीक है और इन्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये अब सब काम इसी से करते होंगे। क्या बात है भाई। दोस्तों, क्या कोई शख्स अपने शरीर में आग लगाकर घोड़े से खिंचवा सकता है? आप कहेंगे नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जोसेफ टॉटलिंग नाम के शख्स ने ऐसा ही करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जोसेफ के नाम अपने शरीर पर आग लगाकर 500 मीटर तक घोड़े से खिंचवाने का अजीबोगरीब रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने ये रिकॉर्ड 27 जून 2015 को बनाया था। क्या आप सपनों में भी सोच सकते हैं कि कोई इंसान अपने शरीर में आग लगाकर इस तरह से घूम सकता है, इस तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता है? लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ टॉटलिंग ने सब कुछ बदल कर रख दिया। क्या बात है। हालांकि इन्हें देखकर किसी को भी डर लग सकता है, लेकिन ये किसी भी चीज से नहीं डरते हैं। आग के साथ इन्होंने कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। इन्हें देखकर कहा जा सकता है कि फायर के साथ खेलना इनके लिए बाएं हाथ का काम है। जब कभी आपसे कोई गुब्बारे फुलाने के लिए कहे तो आप 1-2 गुब्बारे फुलाकर ही थक जाते हैं, लेकिन अमेरिका के कोलोराडो के रहने वाले हंटर इवन के नाम अपने मुंह से 910 गुब्बारे फुलाने का विश्व रिकॉर्ड दर्ज है।
भाई क्या बात है, कहते हैं कि एक या दो गुब्बारे को फुलाते फुलाते लोगों की जान निकल जाती है, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और है। क्या बात है भाई, आप खुद ही देखिए कि इन्होंने कैसे ये काम करके दिखा दिया है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये मल्टी टैलेंटेड हैं और इन्होंने कई बार अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है और दोबारा उसे बनाया है। इन्हें देखकर लगता है कि ये वाकई में कमाल के इंसान हैं। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कि बर्फों पर होने वाले स्की जंप में वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम है और उन्होंने कैसे इस रिकॉर्ड को हासिल किया। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि स्की जंप करना किसी बच्चे के खेल की तरह नहीं है कि कोई भी अपना हाथ आजमा कर चला गया। दोस्तों ये बहुत ही अलग किस्म का जंप होता है, आज हम आपको सब बताने वाले हैं। ये रिकॉर्ड रॉबर्ट ने बनाया है, वो भी 2018 में जब उन्होंने 258 मीटर की जंप मारी थी। जी हाँ, आपने सही सुना है, 258 मीटर की जंप रॉबर्ट ने लगाई थी। इसे कहते हैं टैलेंट। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये रिकॉर्ड भी बहुत ही कठिन परिस्थिति में बनाया गया था। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन दोस्तों जब ये जंप ले रहे थे उसी समय स्नोफॉल हो रही थी। ऐसे में कई बार आपके जंप पर बहुत असर होता है और हुआ भी। लेकिन सोचिए दोस्तों, इतनी परेशानी को भी इन्होंने पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। हालांकि जिनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा था वो भी उस कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रहे थे, दो बार वो भी नए रिकॉर्ड के करीब पहुँच गए थे, लेकिन अंत में जीत हुई रॉबर्ट की और वो ही नया रिकॉर्ड बनाने में सफल हो गए। वो कहते हैं ना कि अगर किसी भी चीज को पाने की तमन्ना आपके दिल में हो तो आप उसे हासिल कर ही लेते हैं। इन्होंने भी हासिल कर ही लिया। वैसे भी 258 मीटर का जंप लगाना किसी भी लेवल पर कम करके नहीं आका जा सकता। क्या बात है दोस्तों, अब हम आपको मिलवाते हैं अपने ही देश के हरियाणा के रहने वाले अमनदीप सिंह से। जी हाँ, इनके नाम भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स दर्ज हैं, लेकिन सबसे अलग किस्म का है। इन्होंने अपने प्राइवेट पार्ट पर खूब सारे प्रहार कराए हैं लेकिन फिर भी अच्छे से टिके हुए हैं। क्या बात है, कहते हैं कि इन्होंने हर बॉडी पार्ट को लोहा बना लिया है और यही वजह है कि आज ये सबसे ताकतवर आदमी भी बन गए हैं। ये देखिए कैसे अपने प्राइवेट पार्ट पर ही वार कर रहे हैं लेकिन इन्हें कुछ नहीं हो रहा। गलती से अगर हम में से किसी को चोट लग जाए तो जान निकल जाती है, लेकिन ये निडर है। क्या बात है वीरे। दोस्तों अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक और हिंदुस्तानी लड़के से जिसने अपने देश का नाम रोशन कर दिया। जी हाँ, ये है जोरावर सिंह, जिन्होंने रोलर स्केट्स के साथ 30 सेकंड में 147 बार स्कीपिंग की। जी हाँ, ये देखिए कैसे इन्होंने बनाया है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड। इनका कहना है कि ये कोई आसान काम नहीं था क्योंकि रोलर स्केट्स ने अपने आप को बैलेंस करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत से ये मुकाम भी हासिल कर लिया। 30 सेकंड में 147 बार स्कीपिंग करना ये बहुत बड़ी बात है। वाकई में दोस्तों इनका ये अचीवमेंट स्पेशल है। जोरावर सिंह का ये भी कहना था कि उम्मीद करता हूँ कि मेरे अचीवमेंट को देखते हुए देश के और भी लोग अपने आप को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें और कुछ बेहतर करें। खेलेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। क्या बात है, इन्हें देखकर लगता है कि वाकई में हमारे देश में भी स्पोर्ट्स को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है। आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आप भी किसी तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट में दे सकते हैं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि हम आपके लिए रोज इसी तरह के वीडियोज बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, धन्यवाद।